आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अब बस शुरू होने वाली है, लेकिन राजनीतिक उठापटक का खेल खूब चल रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के साथ लखनऊ की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में पार्टी की ओर से बीजेपी को घेरने की तमाम रणनीति पर काम चल रहा है, लेकिन पहले चरण की वोटिंग से एक वक्त पहले भाजपा और कांग्रेस ने सपा के खिलाफ ऐसे दो तीर छोड़े हैं जो अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ाने वाले साबित होंगे। भाजपा ने समाजवादी पार्टी के जगदीशपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार रचना कोरी को पार्टी में शामिल करा लिया है, और ऐसे में सबसे मजेदार बात तो ये है कि रचना नामांकन दाखिल कर चुकी थी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को वाजपेयी के समक्ष पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि पीएम और मुख्यमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर रचना कोरी पार्टी में आई है। वे अमेठी जिले के जगदीशपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी थी। इसके अलावा वे सपा महिला सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुकी है। सपा ने पिछले दिनों उनकी जगह विमलेश सरोज को उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने पार्टी को झटका दे दिया। इसके अलावा बता दें कि समाजवादी पार्टी को दूसरा बड़ा झटका हाजी मोहम्मद रमजान के रूप में लगा है। बता दें कि बहराइच के मटेरा विधानसभा सीट से विधायक रहे हाजी मोहम्मद ने पार्टी छोड़ दी है। सपा ने उनका टिकट काट दिया था, उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, और ऐसे में हाजी मोहम्मद श्रावस्ती विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे। अब वे कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने पार्टी ही नहीं छोड़ी, अखिलेश पर करा रहा हमला भी बोला। अखिलेश यादव को चुनाव से एन वक्त पहले ये दोहरा झटका बड़ी ज्यादा मुश्किलें भी खड़ी करने वाला होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताएं।